मुझे पता है कि आपको इंडियन खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपकी पसंद की सारी चीजें बनाई। पालक पनीर, दम आलू, छोले। ए, छोले की रेसिपी और आइडिया मेरा था। इसने खाली कुक किया, क्यों तारा? मिस्टर मलिक, देखिए, फरवरी ने मुझे बताया था कि आपको मीठे में गुलाब जामुन पसंद है। गुलाब जामुन भी इसने बनाए नहीं है, खाली ऑर्डर गेम, जहां से मैंने बताया था वहां से। अर्जुन, तारा, मत कर। मजाक कर रहा हूं। अब कैसा लगा? सही कहा आपने, खाना तो बिल्कुल मेरे पसंद का है, लेकिन जो यहां हो रहा है ना, वो मेरे पसंद का नहीं। तारा मैम, मेरा ये घर है, कोई पार्टी हॉल नहीं जहां पर आप बिन बुलाए मेहमान के साथ आएंगी और पार्टी करेंगी। एंड अबाउट दैट मिस्टर मलिक, आपकी परमिशन के साथ मैं आपका चेकअप करना चाहूंगा। वैसे तो तारा का दोस्त हूं, लेकिन डॉक्टर भी, तो आपके लिए फ्री होम चेकअप। वेल, थैंक यू मिस्टर, नहीं डॉक्टर अर्जुन ठाकुर, लेकिन शायद आपकी दोस्त ने आपको बताया नहीं कि मुझे अपने जख्मों को पालने की आदत है। मैं उन्हें भरने नहीं देता हूं, और ये तो बिल्कुल नहीं बताया होगा कि फ्री की चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एनीवेज, आपकी सलाह सुन ली मैंने, अब आप प्लीज यहां से जाइए और तारा मैम को काम पर लौटने दीजिए। बसंत काका, खाना लगा दीजिए। आपको पता है तारा ने इतनी मेहनत करी और उन्हें अपनी मेहनत सही जगह पर लगानी चाहिए, और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा मुझे क्यों भाई, मैंने क्या किया है? अब तुम मेरे लिए तारा मैम पर नजर रखो। तारा पे नजर मैं रखूं? पर क्यों भाई? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, वो मेरी एम्प्लॉई है और मैं उनकी सैलरी पे करता हूँ। अगर वो इतना सारा खाना बना सकती है तो मेरा काम भी टाइम पर खत्म कर सकती है। तो अब तुम बताओ, तुम मेरा काम करोगी या नहीं? फाइन। मिस्टर मलिक, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? बताइए क्या हुआ। ठीक है, हाँ, मेरी तरफ देखिए और जवाब दीजिए मिस्टर मलिक।